हेलो एवरीवन, उम्मीद है सारे चढ़ती कला के विच होने हो। तो अज का अपना नैक्सट टॉपिक है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो ये एक मोमेंटम वाली टर्म भी मिस हो गई है, जनरलाइज्ड मोमेंटम इतने पे वो वाली लग्रेंजियन ते लग्रेंजिस इक्वेशन। सारे दे सारे जो टॉपिक ने अज असी लगभग थ्योरेटिकली ही ने, तो असी है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने अपने एग्जाम के हिसाब के नाल। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बारे तो असं जानते ही हैं, सारे जानते हैं है ना। इसने लगभग असी दसवीं क्लास तो पढ़ना स्टार्ट कर देने होंगे, जिद असं टू डी पढ़ते हैं दसवीं क्लास के वैसे, तो फिर थ्री डी असं प्लस वन के आ जाने है ना। तो असी उत्थे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं है ना, जो जिमें जिमें सारे क्लासेस हायर होंगे जाए ने, तो असं होर अपने जिदा कि अपने को सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो सिलेंडरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, इदा के कोऑर्डिनेट सिस्टम साढ़े को आ जाते हैं। किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करने वास्ते है ना, या है ना सानू कोऑर्डिनेट सिस्टम की लोड़ पैंदी है। ठीक है, वो कुछ वेरीएबल्स होंगे आ, जिमें कि साढ़े को कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम लें जी, कार्टीजन कोऑर्डिनेट ने एक्स वाई जैड। ठीक है, हुण किसी भी बॉडी के इमोशन को स्टडी करते हैं, आप साडा पार्टिकल है जो कितों दी चला गया, कितने मर्जी मोशन करता फिर असी कहदे नाल डिफाइन करांगे एक्स वाई जैड। ठीक है, एक्स वाई जैड नाल डिफाइन करांगे, ये की हो गए साढ़े इतने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। उस तो असी होर गल करते पे हाँ, मान लो साढ़े कोल इत्थे पेंडुलम आ, तो यदि लेंथ एल आ, तो यह एंगल थीटा बना रहा, यह मेन पोजिशन होंगी, एक्सट्रीम पोजिशन होंगी, पेंडुलम साडा लैफ्ट राइट इदा मूव कर रहा। ठीक है, हुण इहदे विच असी इहनू वेख सकते हैं, मान लो जी साडा आ एक्स एक्सिस आ, तो इस साडा नीचे नूं वाई एक्सिस आ, यह एंग इहदी लेंथ एल आ, तो यह किन्ना आ गया आ वाला एल कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा, ए वाला एल साइन थीटा। ठीक है, एक्स ते वाई दी वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू एल साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ठीक है, एक्स वाई साढ़े की हो गए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि यही मोशन डिस्क्राइब करते पे आ। ठीक है, फिर सानू इन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम की लड़ की पई, सानू साडा जदों के कार्टीजन नाल चंगा भला कम चलता पाया सी, साडे कोल असी सफेरिकल लैके आए, सिलेंडरिकल लैके आए है ना, फिर ये सानू लियाउण दी की लड़ पई। इहदे विच स्टूडेंट्स गल इदा भी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स तुहानू, हालांकि हर तरह की प्रॉब्लम है जो कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम नाल सॉल्व हो सकती आ, बट कुछ प्रॉब्लम्स इदा दियाँ हो जाए ने, सॉल्व तो हो जाए ने बट सॉल्व करनिया बड़िया औखिया ने, कैलकुलेशन लेंदी हो जाए ने या टफ हो जाए ने इदा। ठीक है, जो साढ़े को प्रॉब्लम्स ने जो सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के आसानी के नाल सॉल्व हो सकदियां ने, वो अपनिया कार्टीजन कोऑर्डिनेट के थोड़ी जी मुश्किल हो जाए ने। ठीक है, यो करके सानू सफेरिकल लिया पाया तो सिलेंडरिकल लिया पाया है ना, जिदा की हूँ प्रॉब्लम होंगी है असी उदा का ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर लें। अगर सिंपल प्रॉब्लम आ साडी डेली लाइफ वाली है ना, आम मूसन ही है सिंपल, ठीक है, फिर असी कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर लें है ना। दूजी गल, अगर प्रॉब्लम साड़ी सफेरिकल है ना, सफेरिकल प्रॉब्लम है कोई है ना, ठीक है, उत्थे असी सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दे विच असी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर साड़ी प्रॉब्लम सिलेंड्रीकल तरीके वाली है तो असी सिलेंड्रीकल यूज़ कर लें, साड़ियाँ जो साडे सौखे हो जाते हैं, मतलब कि सानू सल्यूशन करना। हुण वेखो आ साडा हैगा सी कार्टीजन दे विच एक्स वाई जैड की हो गए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जो सुइटेबल वेरीएबल साढ़े डायनामिक्स नूं दर्शाउण दे लई या फिर उन्हूं बयान करन दे लई वरते जांदे आ, उन्हां नूं असीं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहिंदे आ। ठीक है, हुण देखो कोई वन डी दे विच मोशन आ, मान लो वन डी दे विच तुहानूं कह दित्ता पार्टिकल इहदे अलोंग जा रहा, यह एक्स एक्सिस आ। ठीक है, एक्स की हो गया साडा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो गया, एक्स की हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोई वाई एक्सिस वन्नी नूं जा रहा लोकल, वन डी दे विच वाई एक्सिस वन्नी नूं इहदे नूं कोई पार्टिकल जा रहा, साडा वाई की हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, हुण देखो इत्थे की है आ वाला जो सफेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दे विच एल ते थीटा, एल तो साडी कॉन्सटेंट आ, थीटा साडा वेरीएबल आ, होर गल दस दें वेरीएबल ही हुंदे आ, ठीक है, वेरी करदे हुंदे आ। थीटा साडा की करदा, इह पेंडुलम दे मोशन नूं डिफाइन करदा वी कदों कित्थे इदां हन, थीटा जिस हिसाब नाल वेरी हो रहा वह उस हिसाब नाल साडा पेंडुलम दा मोशन है जो डिस्क्राइब किया जा रहा। ठीक है, या असीं इदां कह सकते हैं पेंडुलम दा मोशन है जो उस हिसाब नाल साडा थीटा वेरी कर रहा है ना, ये तो मतलब कि निकलता भी स्थिते थीटे नाल साडे पेंडुलम दा मोशन है जो डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इत्थे थीटा की हो गया साडा, थीटा इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। उस तो बाद असीं होर गल कर लैंदे आ, जिवें कोई सिलेंडरिकल प्रॉब्लम आ गई, मान लो आर थीटा जैड, ये साढ़े की हो गए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस चीज़ा से अज तक असं पढ़ चुके हैं, जो जिन्हें चीज़ों के असी फैमिलियर हाँ, ठीक है भी। हुण देखो असी डेफिनेशन की लिखते हैं, ये सानू एक रफ वर्क है जो समझ लिया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की कहिंदे ने। ठीक है, इन्हां नूं कहिंदे ने सुइटेबल वेरीएबल्स, सुइटेबल वेरीएबल्स विच आर
रिक्वायर्ड टू डिफाइन डिफाइन या डिस्क्राइब द मोशन ऑफ मोशन कह लो या डायनामिक्स कह लो ऑफ बॉडी आर नोन एज जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है भाई, ये हो गया अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। हुण इन्हां नूं डिनोट कदे नाल करदे हुंदे आ असीं, डिनोट असीं इन्हूं क्यू आई नाल करांगे। ठीक है, हुण आ गया साडा एक्स, इत्थे इन्हूं एक्स नूं असीं क्यू आई कह सकदे हां। ठीक है, कोई वाई आ गया, हुण साडे कोल एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट ने, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री इदां कह सकदे हां। ठीक है, असीं जिन्ने भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट ने उन्हां नूं असीं क्यू आई नाल डिनोट करदे हां। आई साडा वेरी कर सकदा 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, इदां कुछ वी कर सकदा। ये हो गए साडे जनरलाइज कोऑर्डिनेट, है ना। उम्मीद करता तुहानू चंगी तरह समझ लग गई होनी आ। उस तो बाद असी करते हैं गल वेलोसिटी की। साडे कोल देखो स्टूडेंट्स की आ, एक्स आ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर असी डी एक्स बाय डी टी करांगे तो की आ जाती आ, वेलोसिटी आ जाती है, है ना। हुण असी अपने हायर स्टडी के किदा डील करते हैं, असी ये कंपैरिजन करते हैं। क्यू आई साढ़े को है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, डी क्यू आई डिवाइडेड बाय डी टी की आएगा साढ़े को, वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी असं कि लिख सकते हैं, इतों एक असं होर भी तरीके लिख सकते हैं, जां तां वेलोसिटी डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू वी आ, जां इज इक्वल टू एक्स डॉट आ, एक्स के उपर डॉट लग जाना होंगे। जिम्मे इदा करिए, डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू वाई डॉट, रिविजन ही है, सारे जाणू होने इस चीज़ तो। हूँ डी क्यू आई डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू आई डॉट, ये की होगी साड़ी जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये चीज़ा तो सू याद रखनिया ने, असं अगे यूज़ करा, ये तो सू माइंड के रखना। क्यू आई की है साढ़े कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट का डेरीवेटिव नाल सॉरी टी नाल डेरीवेटिव होंगे फिर की बनती है साड़ी वेलोसिटी बनती होंगी है। जो हम टी नाल डेरीवेटिव करा साड़ी क्यू आई आ गई, यह की होगी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, जनरलाइज वेलोसिटी होगी। हुण गल कर रहे हैं लैग्रेंजियन की। लैग्रेंजियन देखो, लैग्रेंजियन वैसे स्टूडेंट्स मेरे हिसाब के भी घट्टो घट अद्धे घंटे का टॉपिक, अद्धा घंटा तो असी डीपली जे जाइए पूरा, ठीक है, तो अद्धा घंटा लग सकता समझाने। बट असी की करांगे स्टूडेंट्स, असी मोटा मोटा जिहा समझांगे जिहदे नाल असी अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करन जोगे हो जाइए, तो असी मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने जोगे हो जाइए, तो एग्जाम अटैम्प्ट करने जोगे हो जाइए। ठीक है, असी इन्नी की गल समझनी आ उहदी, तो उहदे ते मैं एक वक्री वीडियो बनावांगा। ठीक है, असल इदा कह लीजिए जे फिजिक्स समझनी आ तां सानूं वो वीडियो वेखनी पैनी आ, जे असी अपना काम चलाउणा असी पेपर एग्जाम क्रैक करना तां वो चीज़ां मैं तुहानूं करवा दिंदा। ठीक है, देखो लैग्रेंजियन की हुंदा, वैसे मैं टच करवा देना की है लैग्रेंजियन, असी एल नाल डिनोट करते हैं। साढ़े एक मैथमैटिशियन ते लैग्रेंज, वैसे उन्हों का नाम कुछ इतने होर भी सी मेरे माइंड दे विच नहीं है, लैग्रेंज ही याद है ना, लैग्रेंज नाम दे। ठीक है, उन्होंने की सोचा, उन्होंने ये सोचा भी जो भी चीज़ साढ़े यूनीवर्स दे विच आ, ठीक है, दो चीज़ा ने साढ़े यूनीवर्स दे विच, एक मास आ दूजी एनर्जी आ, है ना। असीं आले दुआले निगाह घुमा के वेख लाँगे, सानू दो ही चीज़ा मिलनगियां, मास मिलू ते एनर्जी मिलूगी, है ना। ठीक है, उस तो बाद असी जो मोशन डिस्क्राइब करते हैं किसी बॉडी का, असी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने, है ना, पहले कार्टीजन लेंदे सी, फिर स्फेरिकल ले, फिर असानी सिलेंडरिकल ले, मतलब कि बड़े मसले टेढ़े से, है ना। तो इन्होंने सोचा भी जो एनर्जी ही सब कुछ है, जो एनर्जी ही सब कुछ आ, क्योंकि मास भी एनर्जी के कन्वर्ट हो जाता, साढ़े यूनीवर्स के दो चीज़ा ने मास से एनर्जी, जो एनर्जी ही सब कुछ आ, क्यों ना भी असी एनर्जी तो ही अपने किसी भी बॉडी का या सिस्टम का जो मोशन है उन्होंने डिस्कस करिए या डिफाइन करिए या डिस्क्राइब करिए, है ना। ये चीज़ उन्होंने सोची, फिर उन्होंने की करिया, फिर वेखो थोनों मैं इतों पहला तो अं लिखते हैं लैग्रेंज एल इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, टी साड़ी की है कनेटिक एनर्जी है, वी साड़ी की है पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, दोनों एनर्जियाँ उन्होंने मकैनिक्स के, वैसे तो एनर्जी हीट एनर्जी, है ना, बड़ी तरह की एनर्जियाँ होंगे ने, बट मकैनिक्स के दो एनर्जियाँ पढ़ते हैं अपनी, कनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उन्होंने दोनों एनर्जियाँ का डिफरेंस लिया, ठीक है, मतलब कि एल जो साड़ी वो मोशन डिफाइन करूगी, एनर्जी का डिफरेंस है जो कनेटिक एनर्जी तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी, वो मोशन डिफाइन करूँ कि मैं मोटा मोटा दसदा। हूँ देखो, मान लो साडा आ वाली एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस, ये साडा एक्स वाई जेड, ठीक है।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਧਰਤੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਐਮ ਜੀ ਐਚ ਹਾਈਟ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਯੂਨਿਟ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਠੀਕ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਈ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ 48 ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 40 ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਵੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਐਲ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੈਗਰੇਂਜ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਥੇਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਟੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀ ਸੀ ਲੈਗਰੇਂਜ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਥ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੇ ਐਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਐਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਡੀ ਟੀ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਏ ਕਰਲ ਕਿਊ ਡੋਟ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਏ ਕਰਲ ਕਿਊ ਆਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਅੰਦਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿਊ ਆਈ ਡੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਿਲੋਸਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੋਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਡੋਟ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਈ ਕਰਲ ਕਿਊ ਆਈ ਡੋਟ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਈ ਕਰਲ ਕਿਊ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਗਰੇਂਜ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲੈਗਰੇਂਜੀਅਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬਟ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਸਕੇਅਰ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਏ ਕਰਲ ਕਿਊ ਆਈ ਡੋਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿਲੋਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਡੀ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਏ ਕਰਲ ਕਿਊ ਆਈ ਡੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਰਲ ਐਲ ਬਾਏ ਕਰਲ ਕਿਊ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਟੂ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਫੋਰਥ ਆਰਡਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ
माइनस तो करनी है, जो डेरीवेटिव के वेलोसिटी नाल डेरीवेटिव होगा, अदरवाइज सिंग कोऑर्डिनेट नाल डेरीवेटिव होगा। ठीक है, यह होगी साड़ी लैग्रेंजी अनुकेतन, बहुत ही यूजफुल है ये, जिन्होंने नैट के एग्जाम के पेपर के बैठना तो वो बहुत यूजफुल आ, क्योंकि सानू वन क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है ये इक्वेशन से तुम आ जाता होंगे। हुण असीं अगे वेखदे स्टूडेंट्स की हुंदा साडे कोले, साडे कोल हुंदा टी इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। थोनू मैं जो असीं पहला टर्म्स पढ़ चुके हैं उदां दे नाल कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुहानू याद रखना सौखा हो जाए। ठीक है, हुण डी टी बाई डी वी वेलोसिटी नाल डेरीवेटिव कर दिता, इट इज़ इक्वल टू आ देखो हाफ साडा कॉन्सटेंट आ, मास भी कॉन्सटेंट आ, वेलोसिटी नाल डेरीवेटिव आ वी आ गया। ठीक है, टू नाल टू साडा कैंसल हो गया, इट इज़ इक्वल टू एम वी विच इज़ अगेन इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, मतलब कि कनैटिक एनर्जी का डेरीवेटिव वी नाल करिए साडे कोल मोमेंटम आ जाता। ठीक है, हुण देखो इत्थे की हो रहा, करल एल बाय करल क्यू आई, वेलोसिटी हुंदी आ की आ क्यू आई डॉट की है साडे कोल वेलोसिटी है, वेलोसिटी नाल डेरीवेटिव हो रहा की है साडे कोल एनर्जी ही है, एक एल टी माइनस वी हुंदी आ ये भी एनर्जी आ, एनर्जी का डेरीवेटिव वेलोसिटी नाल हो रहा साडे कोल की आ जाऊगा स्टूडेंट्स पी आई डॉट इज़ इक्वल टू, इतने सिंपल पी आया सी। ठीक है, पी आई डॉट इज़ इक्वल टू करल एल बाय करल क्यू आई डॉट, ये हैगा साडा मोमेंटम, ये तो सानू याद रखनी चीज़ा। ठीक है, मोमेंटम हो गया साडा तो वेलोसिटी हो गई है, ये चीज़ा तुसी ने याद रखनिया ने, तो कुछ टर्म्स होर ने जो मैं अगे लिखन जा रहा वो भी तो सानू याद रखनिया ने, वो अगे तुहाडे यूज़ होणगीआं, उन्हां नू असीं अजम्पशन्स मानते हैं, लैग्रेंज ने अजम्पशन्स करियां दीआं कुछ जदों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उन्हें एग्जिस्टेंस के लिए ना कुछ अजम्पशन मनिया, उन्होंने की अजम्पशन मनिया स्टूडेंट्स वो ये थी अपनिया, करल क्यू आई, करल क्यू आई डॉट, करल क्यू आई का कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी नाल डेरीवेटिव जीरो, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नाल डेरीवेटिव, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नाल डेरीवेटिव जीरो, ये अजम्पशन थी कि लैग्रेंज दी। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी नाल डेरीवेटिव जीरो, वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट नाल डेरीवेटिव जीरो आ। ठीक है, इनू असीं वेलोसिटी मैं तो बार बार बोल रहा हाँ, पहला पढ़ चुके हैं तुसीं, नहीं बच्चे कन्फ्यूज होंदे हो जाते हैं क्यू आई डॉट क्यू आई इदा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, उस तो बाद वेखना सने सेम हूँ, कल क्यू आई कल क्यू जे इज इक्वल टू कनैक्टड डेल्टा फंक्शन डेल्टा आई जे विच इज़ अगेन इक्वल टू वन हुंदा है, जदों यह आई इज इक्वल टू जे है जीरो हुंदा आई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जी। ठीक है, ये कनैक्टेड डेल्टा फंक्शन है, अगर नहीं पढ़िया आप अगे जाके पढ़ांगे। ठीक है, तुम्हें पढ़ा देंगे। उस तो बाद करल क्यू आई डॉट करल क्यू जे डॉट, हुण दोनों वेलोसिटीज़ ने, एक साडे कोल की सी अल्टरनेट दी, एक वेलोसिटी एक अपने कोल कोऑर्डिनेट वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इदा अल्टरनेट दी। ठीक है, जीरो आता सी, हुण जदों सेम आ गए दोनों कोऑर्डिनेट का कनैक्टेड डेल्टा फंक्शन है, कनैक्टेड डेल्टा फंक्शन के आई जे आ ये वन दे इक्वल ने, जो दोनों इक्वल ने नॉट इक्वल ने तो जीरो आ। ठीक है, सेम कंडीशन ये आ, सेम ये कनैक्टेड डेल्टा फंक्शन के इक्वल ने। ठीक है, वन दे इक्वल ने जे आई इक्वल टू जे आ, जीरो आता आई नॉट इक्वल टू जे आ। ठीक है, ये चीज़ा तो सू याद रखनिया ने, तो ये एज ए बेसिक्स काम करे सूँ तीन नंबर साढ़े तीन नंबर का जो फाइव मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो सॉल्व करने वो साढ़े लिए हेल्प करे। ठीक है, धन्यवाद।